कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार को आदेश दिया था, संविधान ने जो उन्हें शक्तियां प्रदत्त की है उसके अंतर्गत के सरकार आज ही मतलब 16 तारीख को ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट करवाए। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड किए, ये बहुमत देख लीजिए। मतलब सर आपने सरकार के सामने आपके सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं अगर आपके पास संख्या बल है तो। आज ही तो भग गए, टाइम काटू काम कर रहे हैं कि जितनी कटे तो कट जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अल्पमत की सरकार है उसको क्या निर्णय लेने का अधिकार है, क्या फैसले करने का अधिकार है? रोज रोज तबादले किए जा रहे हैं। राज्यपाल को जवाब दिया है मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक होगा, माहौल अभी अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री बच्चे नहीं है, माहौल तो अच्छा इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, माहौल उनके लिए अच्छा नहीं है लेकिन प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ दिया, लेकिन वो कह रहे कोरोना 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 का दलील दी गई है सर। अभी अस्थिर सरकार कोरोना से भी नहीं बचा सकती मेरे भाई, उसके लिए स्थिर सरकार की जरूरत है। आगे की रणनीति क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं आपको? हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, महामहिम ने भी आश्वस्त किया है कि हमारे संवैधानिक और प्रदेश के भी और जनता के भी विशेषकर विधायकों से कहा कि आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और हम देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। क्या अल्पमत की सरकार?